नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका के साथ भारत पहुँचे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने गुजरात के अहमदाबाद में लैंड किया, जहां उनका स्वागत खुद पीएम मोदी ने किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस भारत दौरे का पहला दिन खास बनाने के लिए तैयारियों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मोटेरा स्टेडियम से लेकर साबरमती आश्रम तक ट्रंप का स्वागत हर जगह भव्य और खास तरीकों से किया गया। ट्रंप के स्वागत में साबरमती आश्रम में एक खास मेन्यू भी तैयार किया गया, जिस पर अब सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स पर ट्रंप को परोसे गए ब्रोकली समोसे को लेकर तरह तरह के बातें और मीम्स बन रहे हैं। दरअसल पारंपरिक आलू वाले समोसे की जगह ये ब्रोकली समोसा सबको अजीब लग रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि इस समोसे में ऐसा क्या खास है जो इसे आलू के समोसे से अलग करता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ब्रोकली समोसा अलग कैसे है। साबरमती आश्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी जाने माने शेफ सुरेश खन्ना को दी गई थी। शेफ सुरेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए फॉर्च्यून सिग्नेचर कुकीज, गुजरात का स्पेशल खमड़ ढोकला और ब्रोकली कॉर्न समोसे को मेन्यू में रखा गया था। ट्रंप को खमड़ ढोकला बहुत पसंद आया। सुरेश खन्ना की माने तो पीएम मोदी की पसंद स्पेशल अदरक और मसाला चाय है, इसलिए वो भी मेन्यू में था। वहीं आइस टी और ग्रीन टी को भी मेन्यू में जगह दी गई थी। खाने के इस मेन्यू में गुजराती व्यंजन खास थे, जिनमें फॉर्च्यून सिग्नेचर कुकीज, नायलॉन खमन, ब्रोकली और कॉर्न समोसा और दालचीनी एप्पल पाई ने मेन्यू में सबका ध्यान खींचा। वहीं आलू वाले समोसे में पनीर, मटर या मूंगफली होने से ये इसे हाई कैलोरी वाला बना देते हैं। वहीं डायबिटिक लोग या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए ये ज्यादा हैवी और कोलेस्ट्रॉल से भरा होता है। वहीं ब्रोकली कई मामलों में आपके सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।